तो हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे एक बेहतरीन मशीन कैसे बना सकते हो। और ये कोई मामूली मशीन नहीं है, ये ऑटोमेटिक सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है। देख सकते हो 380 टर्न्स में मैंने सेट करके रखा है और 380 टर्न्स होने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अगर आप ऐसे एक बेहतरीन मशीन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आराम से बना सकते हो। और ये मशीन से 14+14, 12+12 या फिर 16+16 सभी डाई का कोयल आराम से लगा सकते हो। तो अभी हम ये 12+12 उसका कोयल लगा के आपको दिखाएंगे। और ये जो डाई है ये काफी बढ़िया डाई है। एक ही डाई का यूज करके रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल आराम से लगा सकते हो, दूसरा डाई का जरूरत ही नहीं है। एक ही डाई का यूज करके आप कितना स्लट का सीलिंग फैन है और कितना एमएम का डाई है आपका, एक ही डाई का यूज करके सभी फैन में कोयल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देख सकते हो उसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं कितना एमएम का डाई है। अगर हमारा 15 एमएम का डाई है तो हमको ऐसे 15 एमएम तक रखना है। देखिए ये 15 एमएम में आराम से बैठ चुका है, देख सकते हो। और ये स्टार्टिंग कोयल लगाने के लिए हमको ये छोटा नट लगाना है और रनिंग कोयल लगाने के लिए हमको ऐसे बड़ा नट लगाना है, देख सकते हो। अभी हम ये दोनों नट को बैठा के आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे लगाना है आपको, एक ही डाई का यूज करके रनिंग और स्टार्टिंग कोयल दोनों को लगा सकते हो। हमको क्या करना है, स्टार्टिंग कोयल लगाना है। तो हमको स्टार्टिंग कोयल लगाने के टाइम में ये छोटा नट को लगाना है। तो अभी हम ये नट को लगा देते हैं, देख सकते हो मैंने उसको लगा दिया। और अभी हम ये फैन में स्टार्टिंग कोयल लगा के आपको दिखाएंगे। और ये डाई को सेटिंग करने में टाइम नहीं लगता, आप उसको तुरंत सेटिंग कर सकते हो। देख सकते हो ये 420 टर्न्स में ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। अभी हम उसमें रनिंग कोयल लगा के आपको दिखाएंगे। और अभी हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये डाई का जो नाट है ये नाट को हमको ओपन कर देना है और उसकी जगह में हमको बड़ा नाट लगाना है। ये देखिए 440 टर्न्स में मैंने सेट कर दिया, तो अभी हम 440 टर्न्स लगाते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं आपको ये मशीन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक सेंसर लगा हुआ है। देखिए एक बार जब ये सेंसर के बीच में से ऐसे जा रहा है तो इधर में एक नंबर काउंट हो रहा है, यानी कि एक टांस होने के बाद इधर में एक काउंट होगा। तो इधर में आप देख सकते हो एक बल्ब लगा हुआ है। देखिए अभी हम ये बल्ब को ऐसे अंधेरा कर दिया, देख सकते हो इधर में काउंट नहीं हो रहा है। देखिए अभी हम उसको घुमाते हैं, ये देखिए काउंट नहीं हो रहा है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये मीटर का कनेक्शन, ये मीटर कैसे लगाया जाता है। तो देखिए पहले हम ये टेप को हटा देते हैं और इधर में आप देख सकते हो पहले जो 3 वायर दिख रहा है आपको, ये मोटर का वायर है, वो मोटर भी हम आपको दिखाएंगे। और इधर में आप देख सकते हो 3 वायर है, ये 3 वायर सेंसर में जाएगा। और ये जो 2 वायर दिख रहा है आपको ये 220 वोल्ट करंट का है। तो अभी हम उसको टेपिंग कर देते हैं और अंदर का पार्ट आपको दिखाते हैं कितना पार्ट से बना हुआ है। और ऐसे एक बेहतरीन मशीन आप आराम से बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। और कितना पार्ट से ये मशीन बना हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा और आगे भी आपको ऐसे नॉलेज मिलता रहेगा। तो चलिए अभी हम ये मशीन का अंदर का पार्ट आपको दिखाते हैं कितना पार्ट से बना हुआ है। तो आप देख सकते हो उसका अंदर में ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा टेबल फैन का मोटर है और एक ये देखिए चार्जर लगाया गया है ये बल्ब को जलाने के लिए। और इधर में आप देख सकते हो 250 mFT का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, टेबल फैन का कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर का दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, ये जो ब्लैक कलर का 2 वायर है, ये दोनों वायर में डायरेक्ट कनेक्ट है।